नौरीन जी, नौरीन साहिबा, मैं आपको गुफ्तगू में शामिल करूंगा। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह बिजली के बिल महंगे हो गए, गैस के बिल महंगे हो गए, हमारी प्रोडक्ट की जो आउटपुट है वो महंगी हो गई, इकोनॉमी का ये हाल है कि आटा आज महंगा है, चीनी आज महंगी है, दालें आज महंगी हुई हुई हैं, सब्जियां महंगी हुई हैं जो पाकिस्तान में उगती हैं, फल महंगे हुए हुए हैं, एक गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? जी नौरीन साहिबा, देखिए जी, पाकिस्तान में 24 लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में इस वक्त है और 42 इन टर्म जो है GDP है। और फिर आप ये देख लें, जो GDP जो ग्रोथ है वो है 3.29% गिर गई है और 5.5 जो है वो इस वक्त आप इन्फ्लेशन देख लें, पहले GDP 5.5 थी, आजकल 2.5 हुई हुई है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वहाँ पे वो हो गई है। और 14.56 से लेके 3.92 पे इस वक्त है। तो आप ये देख लें कि जब 2020 के एंड पे देख लें, उस वक्त जो हमारी बेरोजगारी है वो 6.6 पे पहुंच जाएगी और अभी इस वक्त जो है 75.7 इस वक्त है। तो मुझे आप ये बताएं कि जो हमारे इस तरह हालात जा रहे हैं, ये किस तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं? ये तो चोरियां डकैतियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आप ये देख लें, लोगों में बेरोजगारी है, कारोबार चल नहीं रहे, यही सिचुएशन जा रही है। ये देखें कि जिस तरह अभी इन्होंने यूटिलिटी स्टोर के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हमने ये कर दिया, और शहर जिनमें लोग 1 मिलियन के करीब हैं, अब आप ये देख लें कि 59 शहर जिनमें लोग 1 लाख से 1 मिलियन हैं, हर शहर 6,000 यूटिलिटी स्टोर हैं और 24 करोड़ आबादी है, 6,000 तो उसको फ्री ये देखें ना, मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर जिसमें 6,000 आप सिर्फ यूटिलिटी स्टोर कर रहे हैं और उसमें 22 करोड़ हमारी 24 करोड़ की आबादी हमारी है, तो उसमें आप देखें कि वो किस तरीके से हम लोग इस और उसमें भी सारी चीजों पर डिस्काउंट नहीं दिया, उसमें भी सिर्फ दालों पे और चीनी पे और आटे पे थोड़ा सा डिस्काउंट और अब ये देख लेना, तो इसका मतलब यही है कि IMF के आगे पाकिस्तान को तो इमरान खान पहले ही बेच चुका है और अभी फिर उनकी जो ज्यादा जो और उनकी, लेकिन खान साहब कहते हैं आप लोगों ने कर्ज इतने ले लिए थे, जो इस गवर्नमेंट ने जितना कर्ज लिया पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं लिया है। और इसने आते ही एक साल के अंदर इसने नेबर के साथ जितने भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे थे वो इसने आके खराब किए हैं। उसके अलावा देख ले, हमें कहीं वोट लेना पड़ जाता है तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो वोट, चलो किसी और को छोड़ दें, सऊदीया को ही ले लें, वो भी हमारे खिलाफ वोट देते हैं। इन्होंने आते ही चाइना के साथ भी कर लें। अभी ये देखें कि कोई भी हमारे पाकिस्तान का भी शहजादा भी आया हुआ था, उसके साथ इन्होंने किस तरीके से किया। तो अब ये चीज़ें देखें, क्योंकि इमरान खान कभी भी पाकिस्तान के साथ ना कभी वो सिंसियर था ना कभी वो हो सकता है। वो पीरनी के बल बोते पे आया, उसने पीरनी के बल बोते से उसने वापस चले जाना, उसके इर्द गिर्द सिर्फ पीरनी घूम रही है, उसको कुछ पता नहीं है पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, कितनी लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अब ये देखें कि जिस मजदूर ने अगर 500 या 600 रुपया मजदूरी लेके आनी, उसमें उसने घी भी लेना है, आटा भी लेना है, चीनी सारा कुछ, उसने ग्रोसरी भी लेनी है, बच्चों की फीस भी देनी है, बिजली के बिल भी देने हैं, गैस के बिल भी देने हैं, उसने अपनी बाकी जरूरियात की चीजें भी करनी है, वो कैसे मैनेज कर सकता है? ये अगर 2 लाख रुपए में ये खुद मैनेज नहीं कर सकते। हमारा जो गेट कीपर है इस टाइम रॉयल का, उसके बिजली का बिल 26,000 आया हुआ है। जब मैं आज एंटर हो रहा था, मुझे कह रहा था सर मेरी तनख्वाह 15,000 रुपया है, 3,000 रुपया मुझे अलाउंस मिलता है, 18,000 मिलता है, मैं किस तरह 26,000 का बिल पे करूंगा? मेरा आप इससे अंदाजा कर लीजिए। और ये कोई 3 माह का बिल नहीं है, ये 1 माह का उस बेचारे एक माह का बिल। अब ये देखें कि जब वापडा के दफ्तर गया कि बिल ठीक कर दें, वो ठीक नहीं हो रहा बिल। अब ये देखें कि मेरा बच्चा 11 ईयर ओल्ड है, वो मुझे क्वेश्चन कर रहा है कि मामा इमरान खान जो है वो 2 लाख सैलरी में अपना गुजारा नहीं कर सकता, जिसको जिसका घर भी फ्री में है, बिजली जिसको फ्री है, ग्रोसरी जिसकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे कर रही है, फिर भी वो 2 लाख में और अभी उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है। तो जो आम लोग, जो आम जो गरीब तबका है, जो हमारे घरों में लोग बेचारे काम करते हैं, उससे हटके जो मिडिल क्लास है वो कैसे गुजारा कर सकते हैं? इमरान खान को ये सोच नहीं आई, मिडिल क्लास तो वाइप आउट हो गई है। तो वो देखे ना कि कहाँ से कहाँ लोग पहुंच गए हैं। अब मुझे तो यही बस रह गया कि आए सिर्फ जहर की, जो जहर है खाने के लिए वही मेरे ख्याल में सस्ता रहेगा। राणा साहब, आप क्योंकि ये महंगाई के ऊपर तो जरूर बात कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप पिछली हुकूमत में भी थे, CPEC के ऊपर काफी कुछ सुनने को आ रहा है कि इसका रास्ता बदल दिया गया, कभी शुमाली रास्ता कभी जनूबी रास्ता, और चाइना कहते हैं कि बड़ा नाखुश था, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से खान साहब ने उनको मनाया और खान साहब ने बड़े तरीके से उनको मनाया और CPEC पे फिर दोबारा तेजी से काम शुरू हो गया। इवन के तुर्की ने भी कहा है कि मुझे CPEC में शामिल कर लें, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं CPEC के? शिक्षक गुजारिश ये है कि CPEC वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुस्बत पॉजिटिव पाकिस्तान की खुशहाली के जामन मनसूबे हैं कि जो 2014 अक्टूबर में चाइनी प्रेसिडेंट ने आना था, तो यहाँ पर इमरान खान साहब
क्या वो 126 दिन का धरना दे दिया, जमाल डाल रहे थे और दिन रात पपट शो लगाया हुआ था, कैसा लीडर है, क्या कौम को इसने पैगाम दिया था और आज क्या कहाँ पे जा रहा है। वहाँ फिर वो लेट हुए, सो 2015 में चाइनी प्रेसिडेंट का आना, अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने 12,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए। ये आपकी मोटरवेज देखे ना, ये कराची से सखर और मुल्तान और लाहौर तक मोटरवे चल रहे हैं, खैबर तक जा रही है। आप उन लोगों से शेख साहब पूछें कि अब वो कहते हैं भाई बहावल नगर मुल्तान हमने जाना तो हम 2.5 घंटे में जा रहे हैं, पहले वो 5-6 घंटों में जाते थे। और एक हफ्ता रोड भी खराब था, और एक हफ्ता पहले शेख साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट मोटरवे, कालाशाह काकू और बंद ममूद बूटी रिंग रोड खुल चुका है, और लोग कहते हैं कि अब हम 50 मिनट में लाहौर से रिंग रोड से होते हुए कामों की गुजरा वाले को ये भी तो बताइए कि ये किसने खोला, किसने और काम किसने किया था इसके ऊपर। ये मंसूबे अल्हम्दुलिल्लाह सीपैक के मियां मोहम्मद नवाशी साहब और चाइनी गवर्नमेंट ने मिल बैठकर बनाए थे, जिन पर अल्हम्दुलिल्लाह 100% अमल दरामद हुआ। और अनाड़ी साहब की हुकूमत आते ही इनके मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहा करें, चलो मिस्टर इमरान खान नियाजी प्राइम मिनिस्टर साहब जब गवर्नमेंट आती है तो इनके रजाक दाऊद सदाबहार मिनिस्टर, काफ लीग में भी वजीर, पो पार्टी में भी, नून लीग में भी, पहले भी इनके साथ और जहांगीर तरीन भी हैं, और उन्होंने कहा था कि हम सी पैक मंसूबों में रिव्यू कर रहे हैं लिहाजा अब हम इसको देखेंगे। ये और कार्ड है, और उनके और कार्ड कहने पर, क्योंकि अमेरिका बहादुर तो चाहता था हमारी गवर्नमेंट मियां नवाशी साहब से, उनकी दो नाराजगियां, पहली नाराजगी थी कि जब हमने इंडिया के मुकाबले में 28 मई 1998 को 6 धमाके किए तो बादशाह सलामत अमेरिका बहादुर नाराज हो गया, और उसके बाद दूसरी हमारी गलती सी पैक मंसूबे, जब मियां नवाशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बिल्कुल हमसे पहले वो पार्टी ने भी कोशिश की, ख्वाहिश थी, और मैं समझता हूँ कि हमने सी पैक को मुकम्मल किया, और सी पैक जो मंसूबे हैं वो इंटरनेशनल कौम के एहसास से हैं, ना के वो PTI की तरह मुस्लिम लीग नून ने अपने एहसास से डिक्लेयर नहीं किए, ना हमारा एहसास है, वो मुल्क के, वो 22 करोड़ आवाम के हैं। आज आप शेख साहब देखें कि 2.5 साल सी पैक मंसूबों को बिल्कुल इन्होंने साइड पर रख दिया, कुछ काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर। अब काम स्लो है लेकिन हो रहा है, और जो मंसूबे एहसन इकबाल मिनिस्टर प्लानिंग ने सी पैक मंसूबों में अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पीड दी थी, जो शबाशी साहब ने स्पीड दी थी, मैं कहता हूं कि शबाशी साहब ने तो बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब भाई 6000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए और पैदा की, तो खान साहब आपने भी कहा था कि 360 डैम जो हैं हम वो जो पानी से बिजली के हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में बनाएंगे, तो आप तो भाई खान साहब 5 की बजाय 7 साल हो गए हैं आपकी गवर्नमेंट को, उनमें से कोई एक ही डैम बन गया हो, नहीं बनाएंगे, इनकी तरजीहात नहीं है। अब ये जो आप कहते हैं कि जो न्याय साहब 10 बिलियन ट्रीज लगा दिए, आप कह रहे हैं तरजीहात नहीं, वो खाबों में लगाए हैं, जो बिलियन ट्रीज उन्होंने 2 अरब उस वक्त लगाए थे तो वो भी गालबन 54 करोड़ लगे थे, और उसके अरबों रुपए जो 8 अरब के करीब है वो गबन है, जब उनका जो इत्साब ऑडिट के लिए इत्साब कमीशन ने काम शुरू किया तो इन्होंने वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जिसमें उतने दर्द नहीं लगे, वो ऑडिटर जनरल की भी रिपोर्ट सर, वो ऑडिटर जनरल की भी है, वो सीनियर जर्नलिस्ट की भी है, और वो अवाम की भी है कि वो दरख्त नहीं लगे। और अब बिलियन ट्रीज का खाता तो अपनी जगह पर, अब जो BRT वहां पर है, जो अक्टूबर 2017 में इमरान नियाजी साहब ने अपने चीफ मिनिस्टर परवेज खटक साहब के जरिए मंसूबा शुरू करवाया था, खुशखबरी दे दी, और वो अप्रैल 2018 में मुकम्मल होना था, कहां पर वो 22 अरब का मंसूबा कहां पर 90 अरब का चला गया, 6 दफा नेगोशिएशन की डेट दी गई, और वहां पर मैं समझता हूं कि वो जंगला कहने वाले उन्हें वाकई जंगला बस सर्विस की का वो एक दरिया बुर्द कर दिया है मंसूबा, 90 अरब में से 30 अरब इमरान खान की पॉकेट में गया। और फिर मैं कहता हूं, फिर मैं शेख साहब कहता हूं कि खान साहब ने जब आए थे अपने एडिशनल चार्ज पंजाब की मीटिंग करने के लिए परसों, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हमारी नाहली नलायकी, भाई खान साहब हम तो पहले ही अर्ज किया करते थे, कौम भी कहती थी खान साहब हम नलायक हैं, आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे, और आपने अपनी गलती को माना, लेकिन सवाल ये है कि गंदम गोदामों से आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट किसने की,
और आटा 40 रुपए किलो से 70 रुपए किलो में क्यों फरोख्त होता रहा, और चीनी जो है जो 48 रुपए किलो थी आज 90 रुपए। खान साहब आपने चीनी महंगी की है, आपके यूटिलिटी स्टोर में चने की दाल का रेट 167 रुपए है, जबकि आम बाजार में वो 150 रुपए है। तो बादशाह गंदम का प्रॉफिट किसने लिया? खुसरो बख्तियार साहब ने लिया। और चीनी का प्रॉफिट किसकी तरफ गया? जहांगीर तरीन की तरफ गया। तो इमरान खान के अपने ही बंदे हैं, दोनों का नाम नहीं है उस लिस्ट के अंदर। नहीं, दोनों का नाम क्यों नहीं है? ये जो चीनी की पैदावार के पीछे कौन है? लेकिन मेरी बहन, आप अपना तो हिसाब दे दें कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया है। सिंध के अंदर ना कुत्ता काटने की दवाइयां आता है, हम कोई भी बात करते हैं ना कचरा उठाने की। आपका देखे ना, आपकी अपनी भी तो हुकूमत अच्छी होती तो आज ये अल्फाज सुनने ना पड़ते। नहीं नहीं, ये बात नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो हमेशा, पता नहीं पीपल्स पार्टी के पीछे सारे लोग, सिंध गवर्नमेंट के पीछे सारे लोग क्यों पड़ जाते हैं। अब ये देखें कि जो चीनी का बहरान आया वो किसकी वजह से है? इमरान, अब जो है जहांगीर तरीन, उसने इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया, उसकी 7 नस्लें, क्या पता नहीं कितनी आने वाली नस्लें जो है ना उसकी, वो उसमें जाएंगी। और जो खुसरो बख्तियार साहब है, वो आए तो थे जी मैं एक अलहदा सूबा बनाऊंगा, और आते ही उसने जो गंदम का बहरान किया, आके उसने क्यों किया? ये एक माफिया है, कोई भी गवर्नमेंट आती, किसी भी गवर्नमेंट में इनके पीछे एक ऐसा माफिया है, ये माफिया ही इन चीजों को स्टॉक कर लेता है। आप ज़खीरा अंदोज़ को माफिया कहना चाह रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ये जो ज़खीरा अंदोजी की जाती है इसके बैक पे बहुत बड़ा ये माफिया है, ये कर लेती है, और जिनको फायदा होता है उनको इमरान खान फायदा पहुंचा रहे हैं। अब इमरान खान कह रहे हैं जी मुझे पता नहीं है, एक जी टीम बनाई जाए इस पे इन्वेस्टिगेट की। अभी किस चीज की इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं? आपको सब पता है, आप उसमें हिस्सेदार हैं। अगर चीनी का बहरान पैदा हुआ तो आप उसमें भी हिस्सेदार हैं, अगर गंदम का बहरान पैदा हुआ, आटा नहीं मिला इतने दिनों में, उसमें भी आप हिस्सेदार हैं। तो जाहिर है कि जब आपका हिस्सा बाहर के मुख्तलिफ, आपने इतनी जो कंपनियां बना ली हैं जो मुख्तलिफ आपके काफी क्लोज फ्रेंड है, मैं उनको जानती हूँ, कभी किसी टॉक शो में मैं उनको भी मैं सब लोगों को बताऊंगी कि वो कौन है, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, पैसा वो आपका है, और आपने खरबन क्या पता नहीं अपने शर्बों में पैसा इकट्ठा कर लिया है, और अभी तो आपको एक साल एलिगेशन है। इससे कोई मुतफिक होता है या नहीं होता, वो एक अलग नहीं नहीं नहीं, जो मैं बात कर रही मैं सच्ची बात करती हूँ, ये सबको पता है। देखिए ना, उसके लिए प्रूफ चाहिए होते हैं। आप नहीं 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 नहीं, चैनल पे लाएं, फिर उसके बाद है ना, ये सबसे ये देखिए ना कि चीनी का एकदम बहरान पैदा कर देना, गंदम का बहरान पैदा कर देना, बाकी चीजों का, तो मान गया ना कि हमारी गलती है, वो कह रहे हैं बड़े बड़े, ये बस ऐसे ही ना, जब सारी पॉकेट में एक चीज, उनको पता है पॉकेट में एक चीज आ गई है, अब इसको किसने निकालना है? प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूँ, मैं तो बल्कि इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं कहती, ये क्रिकेटर है, बेस्ट क्रिकेटर है इसको, लेकिन अब ये क्रिकेटर भी बेस्ट नहीं रहा, क्योंकि क्रिकेटर जो बेस्ट होता है वो अपनी टीम बड़ी अच्छी बनाता है, इसने तो टीम ही अपनी ऐसी बनाई है, तो जो अब तो ये बेस्ट क्रिकेटर भी नहीं रहा, प्राइम मिनिस्टर तो बड़ी राणा साहब, ये दो दफा ये सदर ट्रंप से मिलके आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान को भेज के आए, एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है राणा साहब, सदर ट्रंप ने अभी इंडिया के लिए क्या ऐसा इकदाम किया है कि पाकिस्तान को तो पूछा ही नहीं? आशिक से मैं ये अर्ज करूंगा कि बादशाह सॉरी न्याजी साहब जो हैं वो 2018 सितंबर में यूएनओ में नहीं गए, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि हार्ड इशू था मकबूजा कश्मीर, उन्होंने कहा मैं तैयारी करके जाऊंगा, और अगले साल उन्होंने तबाही मचा दी, उन्होंने बिल्कुल उड़ा के रख दिया, जी जी बिल्कुल तैयारी की, और उस तैयारी के नतीजे में ही 200 दिन हो गए हैं मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ। जो शेख साहब आपने बात की, अब ट्रंप साहब से जो वन ऑन वन मुज़ाकरात ये करते रहे हैं न्याई साहब, जो ऐसा उनको कंटेनर का मजा पड़ा हुआ है कि वो कंटेनर से उतरते नहीं है, वो 2-3 दफा उन्होंने कहा भी कि मेरे घर वालों ने बताया कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जब डॉलर ऊपर नीचे हो रहा था तो डॉलर 110 से 156 हो गया, न्याई साहब को नहीं पता, फिर चने की दाल 65 रुपए से 167 रुपए होगी, और न्याई साहब को नहीं पता, अब चीनी महंगी हो रही है, न्याई साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं कि चीनी के लिए गन्ना इतना वाफर है, किसी रोड पे भी चले जाएंगे तो ट्रालियां ट्रैक्टर और ट्रकों से वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, जब गन्ना आ रहा है तो फिर बादशाह सलामत चीनी महंगी करके गरीब आवाम को क्यों तुम मार रहे हो, तुम्हें पता है कि हर घर में चीनी का इस्तेमाल है, और उस चीनी को महंगा करके वो किस एटीएम की जेब में जाला सब कुछ जा रहा है, वो आप शायद नहीं जानते, अगर आप देखेंगे एन कतार कर तो उनका नाम है जहांगीर तरीन, उन्होंने कहा वो लिस्ट में उनका नाम नहीं है, खुसरो बख्तियार का नाम नहीं, बड़ा क्लियर करवाया और बादशाह सलामत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है कि आटा माफिया, चीनी माफिया और किसी भी केस में हंसों की जोड़ी जो जनूबी सूबा लेने आई थी वो दोनों नहीं शामिल हैं,
तो मेरे भाई अगर वो नहीं शामिल तो फिर जो शामिल है उसका पता करवाना खदाना खास्ता, वो तहकीकात कर रहे हैं, वो तहकीकात कौन करेंगे? इंतहाई अदब से करूंगा, आपकी गवर्नमेंट करेगी ना, फरिश्ते करेंगे ना, कब्रिस्तान में सोए हुए लोग करेंगे। कुल्लो नफ्सन ज़ायकतुल मौत। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आप न्याजी साहब मुल्क की वज़ीर आज़म की सीट पर बैठे हुए हैं, आप जवाब दे हैं, 72 साल में कभी भी किसी ने खदाना खास्ता कोई ऐसी गलती वाली बात नहीं की थी कि रियासत मदीना का जब हम नाम लेते हैं तो हमारी तो जुबान भी झुक जाती है। तो ऐसा जो अमेरिका ने इंडिया को जो टैरिफ में रिलैक्सेशन दी है, और वो देखें ट्रंप के गीत गाने वाले न्यायी साहब, वो 56 करोड़ सॉरी वो 26 करोड़ डॉलर का टैरिफ जो है वो इंडिया को ट्रंप सलामत ने दे दिया है। और ऐसे कोई पैकेज पाकिस्तान को दिया, और ये पैकेज उनके कहने पर अफगानिस्तान को गंदम तो आप गिफ्ट कर रहे हैं, और उनके कहने पर हर बात पर आप झुक भी जाते हैं, और नरेंद्र मोदी के इलेक्शन की कामयाबी के लिए भी आप दुआएं करते हैं। तो अब मोदी, ट्रंप और इसराइल जो काट चोड़ है, अब ट्रंप का इलेक्शन है तो वो भी आप कहेंगे कि ट्रंप भी सेकंड टाइम उसका जितना जरूरी है। तो इसलिए न्याय साहब अब आप ही कौम को बताना होगा, आप ही वो डायलॉग बता सकते हैं कि वहाँ मकबूजा कश्मीर की आज़ादी पर क्या बात हुई, वहाँ पर अफगानिस्तान की इश्यूज पर क्या बात हुई, और जो इंडियन एलओसी पर वायलेशन कर रहा है, जो हमारा पानी चोरी कर रहा है, जो हमारी बाढ़ अखाड़ कर हमले करता है, इन इश्यूज को भी आपने टेकअप किया है कि नहीं किया? अगर नहीं सर, किया डैम बनाए तो, जा रहे हैं पानी, अगर नहीं किया तो फिर कम से कम वो जो बाशा डैम के लिए आपने और आपके साथ एक रिटायर्ड जज ने जो 12 या 14 अरब रुपए इकट्ठे किए थे, वही कौम को बता दें कि वो कहां से आपने डैम शुरू किया है, कितने लाग गए हैं और क्या हुआ। हाँ, आपने बाशा डैम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी कैबिनेट के पास रख दिया कि आपके मौजूदा जो वज़रा हैं वही ठेकेदार हैं, शायद आपकी नजरे करम से उनकी हुए हैं। आप इतराद उठा और आप जरूर देखें कि वो रज़ाक दाऊद साहब ठेकेदार हैं। न्याय साहब आप कहा करते थे, आप फरमाया करते थे कि जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, जब टैक्स बढ़ते हैं तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, जब IMF हमारे ऊपर बैठकर टर्म एंड कंडीशन लगाती है, टैक्सेस बढ़ते हैं तो वो अवाम दुश्मनी है। तो नहीं सब, आज तो आप IMF के साथ मुजाकरात नहीं कर रहे, आपने तो फिनांस डिपार्टमेंट ही उनको हैंड ओवर कर दिया है, और आप कहते हैं कहां पर गए भाई वो शब्बर ज़ैदी? हम कहते थे कि वो टैक्स चोर है, आप कहते थे कि मैंने एक बड़े चोर को ले लिया है, चोरों को कंट्रोल करने लिए। तो न्यायी साहब अब जो टैक्स इकट्ठा होना था 7 माह में, उसमें जो 350 अरब का शॉर्टफॉल है, 600 अरब का, तो न्याय साहब वो 600 अरब जो है वो आपकी जेब में गए, शब्बर ज़ैदी की जेब में गए, आवाम से आवाम से अगर आप नहीं ले सके वो इसलिए तो ये आपकी नेगलिजेंसी है, आपकी ना अहली है, आपने ही कलेक्ट करने थे। अपोजिशन को तो आप रोजाना कहते हैं कि अंदर है तो फिर दोबारा अंदर कर दो, अंदर है फिर दोबारा अंदर कर दो। कोई कांग्रेस ने मरियम नवाज साहिबा का आज केस लगा हुआ है बैरूने मुल्क के लिए, उसके ऊपर जरा कमेंट कर दीजिएगा। मैं समझता हूँ अदालत में उसके ऊपर आज केस चल रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब मरियम बीबी के वालिद साहब मियां नवाशी साहब जो इसी गवर्नमेंट ने अपनी सिफारिशात दी और अदालत आलिया ने उनको इलाज के लिए बाहर भेजा, और उनका जो टेकअप ऑपरेट व उनका होना था, मियां नवाशी साहब की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी भी उनके पास हो, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने अलानिया कहा है कि हम उनको नहीं जाने देंगे। आज अदालत आलिया में उनकी बिल्कुल हियरिंग थी जो 25 फरवरी तक जा चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब आप और आपके ये जो तबला बजाने वाली टीम है, जब बेगम कुलसूम बीमार थे, तो आप इसी तरह मजाक उड़ाया करते थे। सबकी माँ एक जैसी होती है, माँ दोबारा नहीं आती, सियासत आती जाती रहती है। लेकिन मरियम बीबी की वालदा मौत हयात की कश्मकश में थी, वो गिरफ्तारी देने 13 जुलाई को आई थी 2018 को, और गिरफ्तारी दी, उनकी माँ फौत हो गई। इसलिए आज बाप के इलाज के लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो होती है, हम सियासी लोग होते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, लेकिन यही सब आप तो कौम को दुश्मनी पर ले आए हैं,
आप तो कौम के साथ भी दुश्मनी कर रहे हैं, और आज मुल्क की तबाही और बर्बादी का कोई और जिम्मेदार नहीं, डायरेक्ट इमरान खान साहब आप जिम्मेदार हैं। हमारी 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 दुश्मनी हमारी हमारी बहादुर फौज दुश्मन का मुकाबला कर रही है, LOC का मुकाबला कर रही है, और तुम कहते हो कि मोदी जीतेगा तो भी कश्मीर आजाद होगा। वो कहते हैं मैं 370 आर्टिकल और 35A का खात्मा करूंगा, भाई उसने खात्मा कर दिया। अब आप चाहते थे वो आ जाए, वो आ गया। अब आपकी क्या ख्वाहिश है कि ये जो रोजाना LOC पर लोग जख्मी हो रहे हैं, अगर बहादुर फौज हिम्मत ना करती तो ये इसका क्या नतीजा था? आपकी पॉलिसी नाकाम है। देखिए नाम भाई, मैं तो ये देख रही हूँ कि इमरान खान वाकई दुश्मनी इसी लिहाज से कर रहे हैं। एक तो देखें कि अगर मरियम बीबी बाहर जाना चाह रही है, उस पर कोई इतना वो इशू भी नहीं है कोई, वो अगर जाना चाह रही है तो उसको जाने दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी उनकी मदर की डेथ हुई है तो वो पाकिस्तान तो अगर उनके फादर की वाकई सीरियस कंडीशन है, और ये वाकई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि जी उनके जितने भी टेस्ट वगैरह थे सारा कुछ उन्होंने खुद किया था, खुद उनको क्लियर करके बाहर भेजा था, तो ये मेरे से बेहतर तो मेरे भाई ने इसका जवाब दे दिया उनको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। चलते चलते नाज़रीन सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि आपस में दुश्मनियों की हद तक नहीं आ जाना चाहिए। वाकई सही कह रहे हैं राणा साहब कि सियासत को सियासत रहने देना चाहिए। अगर आप मुल्क के खैर ख्वाह हैं तो दूसरा भी अपने एंगल से मुल्क का खैर ख्वाह होगा। जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, ये नहीं हो सकता उनका एंगल डिफरेंट नहीं हो सकता, वो कभी भी पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हो सकते। उन्होंने भी इसी मुल्क में रहना है, उन्होंने भी इसी मुल्क की तरक्की से खुश होना है। तो मौका जरूर दीजिए, दूसरे को स्पेस जरूर दीजिए, दूसरे को मौका देंगे तभी कल को आपकी भी बारी आनी है। अगर ये ना हो कि आज आप इतनी सख्तियां करें कल आपके साथ भी इसी किस्म का बर्ताव हो। नाज़रीन इस प्रोग्राम पे अपने व्यू जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।